So today we have Dr. Keta Shah, a nutritionist, who will be sharing information on women's health and nutrition. Doctor, हमें बताइए कि PCOD exactly क्या होता है और इसके symptoms क्या होते हैं? PCOD is a hormonal disease basically, and it is called as polycystic ovarian disease. So that means in normal language कि we have so many cysts in our ovary, right? But it's not always cysts. It might be follicles, which is mature follicles which contains ovum, or we can say egg. Okay, but that are not mature. Okay, follicles are not mature, so that is called PCOD. And PCOD symptoms are like so many symptoms we have for PCOD. First of all, weight gain, which nowadays very common in women. Then second is facial hair growth. Third is acne, and the most common from which you get to know that is irregular periods, I can say. But that is the most important, and from there only we can know ki yeah, I am having some period disturbances, and so I may have PCOD. So, आपने जैसे बताया कि वेट गेन करते हैं हम पीसीओडी में, तो इसके लिए क्या हम टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए? पीसीओडी एंड वेट गेन इज़ अ विशेष साइकिल. पीसीओडी की वजह से वेट गेन होता है, एंड वेट गेन की वजह से पीसीओडी होता है. जनरली पीसीओडी की वजह से एक पर्टिकुलर हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है, विच इज़ कॉल्ड एंड्रोजन्स हार्मोन्स, विच इज़ अ मेल हार्मोन काइंड ऑफ. उसकी वजह से हम लोग मतलब फीमेल्स में वेट गेन होता है. सो हम लोग इसके लिए वी कैन यूज टैक्टिक फॉर दैट इज़ ओनली टैक्टिक इज जस्ट ब्रेक दैट साइकिल. एंड हाउ वी कैन ब्रेक दैट साइकिल? बाई प्रॉपर डायट, हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज एज वेल. विदाउट बोथ ऑफ देम इट्स नेवर गोइंग टू वर्क. ओके, सो फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर डायट फॉर द वेट लॉस एज वेल, एंड वी हैव टू डू प्रॉपर एक्सरसाइज स्केड्यूल ऑल्सो फॉर दैट. ओके, सो बहुत सारी लेडीज अब सूरत में एक्सपेक्ट कर रही होंगी शायद बेबीज, तो उनके लिए क्वेश्चन है कि क्या नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? Yeah, it's really important question, because there are so many myths regarding diet ki pregnancy mein ye nahi khana chahiye, ye khana chahiye, ye garam hota hai, ye thanda hota hai, isse baby gora aayega, usse baby kala hai. I have so many patients, I have heard lot of things since I'm doing this practice since 10 years. So I have heard lot of things, but the basic things which you should not eat is like, you should not eat outside food, जंक फूड जिसमें कलर फ्लेवर प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स वगैरह आते हैं, दैट कैन हार्म द बेबी ऑब्वियसली. देन यू शुड नॉट गो फॉर अजीनोमोटो एज वेल, बिकॉज अगेन इट्स अ काइंड ऑफ कलर फ्लेवर ओनली, राइट? देन थर्ड इज यू कैन नॉट ईट रॉ नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक चिकन मटन और सी फूड विच कंटेन सम बैक्टेरिया विच कैन अगेन हार्म टू द बेबी. देन फोर्थ इज कैफीन. So it's not like you have to totally cut down on your caffeine intake, but anyway 1 cup of coffee or 2 cups of coffee is fine, but the 300 mg per day usse jyada nahi lena, matlab 300 mg is alarming. Okay, so 1 cup coffee per day is fine, right? If you are addicted to that, otherwise mat lo, right? And yes, for fruits there are so many myths. लाइक ये फ्रूट्स गर्म होता है, ये ठंडा होता है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए. तो अगेन आई कैन से पपया, एंड दैट इज़ रॉ पपया ओनली, विच कंटेन्स एक्चुअली लेटेक्स, राइट? तो उससे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शंस अर्ली आने के चांसेस होते हैं, बट दैट इज़ अगेन इफ़ यू आर टेकिंग इन अ स्मॉल अमाउंट एंड नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. बट इफ़ यू आर टेकिंग इट यू नो वेरी रेगुलरली, देन ओनली इट अकर्स. एंड सेकेंड इज पाइनएप्पल. ओके, सो पाइनएप्पल में भी सेम, अगर आप रेगुलरली लेते हो तो वो हार्म कर सकता है, अगर आप रेगुलरली नहीं ले रहे हो तो इट्स फाइन, बिकॉज एनी वे पाइनएप्पल कंटेन्स ब्रोमेलैक्सिन विच सॉफ्टन द सर्विक्स. ओके, सो दैट इज़ द ओनली रीजन. रेस्ट ऑफ द ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल्स यू कैन हैव, सो यू हैव टू ईट एक्चुअली हेल्दी. ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Now coming to thyroid, which is also commonly seen, तो इसके symptoms बताइए कि thyroid के क्या symptoms होते हैं?
थायराइड के सिम्टम एज सच जनरली लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मुझे थायराइड होता है. तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि वेट बहुत बढ़ता है. इट्स लाइक गेनिंग, यू आर गेनिंग योर वेट बट यू डोंट नो कि क्यों हो रहा है. पीपल आर कमिंग टू मी कि मैम मेरा स्केड्यूल सेम है, मैं जो खा रही हूँ वही खा रही हूँ फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है. तो देन वी ऑफर कि आप थायराइड चेकअप करवाओ एक बार, और उसमें इनका TSH लेवल हाई आ जाता है. तो उसका एज सच इतना सिम्टम्स नहीं होते. सो थायराइड के वेट गेन इज़ द मेजर सिम्टम, और उसके अलावा इफ़ वी कैन से तो दैट इज़ फटीक, वीकनेस थोड़ी लगती है, स्किन कभी कभी ड्राई हो जाती है, एंड सम टाइम्स कॉन्स्टिपेशन. दैट आर द ओनली सिम्टम, बट मेजर इज वेट गेन. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वेट, या टेल अस कि हाउ कैन वी कंट्रोल वेट अलॉन्ग विद taking in good nutritions. Okay. Yeah, that is actually important part. I mean, when we are talking about weight loss, it should not be like yo-yo type of dieting. कि अभी आपने कुछ भी करते करके वेट रिड्यूस किया, like crash eating किया, ये diet किया, वो diet किया, some fancy diet as well. So उस टाइप के डाइट में यही होता है कि आपने वेट लॉस कर लिया उसके बाद आपका वेट गेन होता है. सो आई ऑलवेज प्रिफर कि आप न्यूट्रिशन अच्छा लो, जिसमें यू हैव टू इंक्लूड 2 to 3 times फ्रूट्स इन अ डे. यू हैव टू इंक्लूड लॉट एंड लॉट ऑफ वेजिटेबल सर्विंग्स, लाइक 4-5 वेजिटेबल सर्विंग्स ऑल्सो यू कैन एड. देन कार्बोहाइड्रेट जैसे सीरियल्स होते हैं वो थोड़े कम लेने हैं, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच मेटाबोलिज्म ऑल्सो एंड यू डोंट हैव दैट मच यू नो एक्टिविटी ऑल्सो इन योर रूटीन लाइफ. तो वो थोड़ा कम लेना है. यू कैन इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक. एनी वे अवर इंडियन डाइट इज इफ़ वी आर वेजिटेरियन तो उसमें इतना प्रोटीन नहीं मिलता है. सो यू वी हैव टू ट्राई टू टेक मैक्सिमम प्रोटीन फ्रॉम द वॉट एवर वी आर हैविंग लाइक पल्सेज और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. एंड सेम एज वेल फॉर नॉन वेजिटेरियन, दे हैव दैट एडवांटेज कि दे कैन हैव एग्स और नॉन वेज, तो वो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. देन अगेन फैट, फैट जितना हो सके उतना कम लेना चाहिए. आई एम नॉट टेलिंग कि बिल्कुल फैट नहीं लेना चाहिए, बट द रिक्वायरमेंट इज़ लाइक 15 grams पर डे, तो उतना मिनिमम जाना चाहिए. 3 teaspoons पर डे वी कैन से, वो मिनिमम उतना तो जाना चाहिए. इट्स नॉट लाइक फैट फ्री डाइट. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्ने, जिनको एडल्ट एक्नेज होते हैं 22-23 उम्र के बाद, तो उनके बारे में बताइए कि क्या नहीं खाना चाहिए एक्ने प्रिवेंट करने. ऑब्वियसली मतलब देर आर जो अभी के टीन एज में होता है दैट इज़ लाइक बिकॉज ऑफ सो मैनी जंक फूड, सो मच ऑयली फूड, तो जितना हो सके उतना वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए. ऑयली फूड, जंक फूड, देन प्रिजर्वेटिव आर ऑलवेज देयर, देन स्पाइसिस आर देयर, वो सब चीज़ें कम खानी चाहिए. एंड दे हैव टू ड्रिंक लॉट एंड लॉट ऑफ फ्लूइड्स. कीप योर सेल्फ वेरी हाइड्रेटेड. एटलीस्ट 3 liters पर डे यू हैव टू टेक वाटर. ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू सीजन. लाइक दिस इज अ समर सीजन, यू कैन ऑलवेज हैव वाटरमेलन, मस्कमेलन, पपाया, वॉट एवर फ्रूट्स यू आर गेटिंग. दे ऑल आर रीच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल आर रीच इन वाटर कंटेंट एज वेल. सो यू कैन टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ ऑल द सीजनल फूड एज वेल. तो आज विमेंस डे है और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप सूरत की विमेन को कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आई वांट टू कन्वे अ मैसेज फॉर ऑल द विमेन इन सूरत, दैट इज़ ईट हेल्दी, बी फिट एंड स्टे स्ट्रांग. इट्स नेवर एवर टू अर्ली और टू लेट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन यू फॉर द हेल्दियर वर्जन, राइट?